अगर आपने जियो एयर फाइबर लगा के रखा है ना, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वाली रहने वाली है। क्यों? अगर भाई आपको जियो एयर फाइबर के इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई कवरेज में प्रॉब्लम आ रही है, सेट टॉप बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिमोट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर भाई ओटीटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, कैसे डायग्नोस किया जाता है, घर बैठे किसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले बता देना चाहता हूँ ना, काफी दिनों से जियो की तरफ से भाई मेरे को ना एक एसएमएस बड़ा आ रहा था, मतलब जो टेक्स्ट एसएमएस होता ना वो बहुत आ रहा था, तो रोज मैं देखता था, मैं इग्नोर कर ही जा रहा था। तो मैंने एक दिन ना ध्यान से देखा, तो मैंने सोचा कि देखूं तो बोल क्या रहे हैं ये, सेंड क्या कर रहे हैं एसएमएस में। तो ये लिखा, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूं, कि इंट्रोड्यूसिंग रन डायग्नोस्टिक्स ए फास्टर एंड स्मार्टर वे टू फिक्स योर जियो एयर फाइबर थ्रू सिंपल DIY, ठीक है, डू इट योर सेल्फ स्टेप्स फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम ट्राई नाउ। और यहाँ पे एक लिंक भी दिया है, ठीक है भाई। मैंने सोचा कि भाई ये बार बार SMS भेज रहे हैं और लिंक भी भेज रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस लिंक के ऊपर क्लिक करके देखा जाए कि ये है क्या चीज असल में। तो भाई इस लिंक के ऊपर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ऐसे क्लिक किया और ये चेक कर दिया, कंटिन्यू विद पॉसिबल रिस्क, आई अंडरस्टैंड दैट दिस लिंक मे बी हार्मफुल, मतलब ठीक है। सो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये वैसे वार्निंग दे रहा है, और आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आप माई जो एप्लीकेशन में चले जाओगे, ठीक है, वहां पे रन डायग्नोस्टिक्स देखने को मिलेगा, सारा सेक्शन देखने को मिलेगा, चूज ए डिवाइस और सर्विस टू डायग्नोस, ठीक है। तो अगर भाई आपको SMS वगैरह नहीं आ रहा है, मतलब जैसे मेरे को आया और लिंक भी आया, अगर आपको नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि भाई अगर मेरे को दिक्कत आ रही है, इंटरनेट में रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, या कोई भी सेट टॉप बॉक्स में OTT वर्क नहीं कर रही है, तो उसको फिक्स कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, पता कैसे लगे कि प्रॉब्लम है किस चीज में, तो भाई लिंक नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ना क्या करना है, माई जो एप्लीकेशन खोल लेनी है। माई जो एप्लीकेशन खोलने के बाद भाई वहाँ पे आपको जहाँ पे ना प्लान वगैरह दिखाता है और डेटा यूज दिखाता है, वहाँ पे भाई जहाँ पे एडवांस लिखा है, व्यू बिल लिखा है, जियो के लिखा, वहाँ पे ना साइड में लास्ट में मोर लिखा है, तो भाई मोर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सो जैसे आप मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे ही आपको रन डायग्नोस्टिक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको मतलब जियो फाइबर को डायग्नोस करने का सोल्यूशन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट ऐप में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, फिर भाई वो सेम चीज लिंक वाली ही यहाँ पे खुल जाएगी, ओके। तो भाई यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब कि अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि चेक डिवाइस यूटिलाइजेशन, फर्मवेयर स्टेटस, रैम, ETC, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे रन डायग्नोस्टिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये सारा चेक करके हमें बता रहा है कि योर एयर फाइबर प्लान स्टेटस भी ठीक है, आउटसाइड होम कनेक्टिविटी भी ठीक है, इनसाइड होम कनेक्टिविटी भी ठीक है, एयर फाइबर राउटर स्टेटस वो भी ठीक है, एयर फाइबर राउटर स्टेटस सारा कुछ, राउटर अप टाइम, राउटर एफिशिएंसी, मेमोरी यूटिलाइजेशन, फर्मवेयर वर्जन, मतलब सारा कुछ अप टू डेट है, नो इशू फाउंड जहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है, ठीक है। और देखो भाई मैंने ये आपको वैसे करके दिखाया कि अगर मान लो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो भाई आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अगर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही होगी तो यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई आपको ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो भाई इसको फिक्स करने का सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जैसे कि मान लो वाईफाई कवरेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, रन डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे इन्होंने एकदम से चेक कर लिया सारा कुछ कि योर एयर फाइबर प्लान स्टेटस भी ठीक है, आउटसाइड होम कनेक्टिविटी, इनसाइड होम कनेक्टिविटी, एयर फाइबर राउटर स्टेटस, वाईफाई कवरेज, कनेक्टेड डिवाइस लिमिट, सारा कुछ ठीक है, नो इशू फाउंड, ठीक है, नो इशू फाउंड। और बोल रहा है कि
All seems to be running fine with your Jio fiber. You can run diagnostics for other services. मतलब कि और चीजों को भी चेक कर सकते हो आप. Run other diagnostic के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर क्या है कि अगर आपको सेटअप बॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो सेटअप बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करके देख लेना. तो मैं आप एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको इस ऐप का या फिर इस जो रन डायग्नोस्टिक कैसे काम कर रहा है, क्या क्या इसमें देखने को मिल रहा है. जैसे कि सेटअप बॉक्स, डिवाइस हेल्थ, चेक कनेक्टिविटी, वीडियो रेजोल्यूशन, टेम्परेचर, ईटीसी, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा. रन डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो भाई जी यहाँ पे देख लो कि योर एयर फाइबर प्लान भी ठीक है, आउटसाइड इनसाइड सेटटॉप बॉक्स स्टेटस ठीक है, जियो सेटटॉप बॉक्स मॉडल बता रहा है और सेटटॉप बॉक्स को कनेक्टेड किस बैंड से कनेक्टेड है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे यहाँ पे दिखा रहा है और कनेक्टिविटी ऑन सेटटॉप बॉक्स नीड इम्प्रूवमेंट ठीक है. सो यहाँ पे देख लो मतलब कि सारा कुछ पहले ठीक नजर आ रहा था बट यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी ऑन सेटटॉप बॉक्स नीड इम्प्रूवमेंट, मतलब कि इम्प्रूवमेंट की इसे जरूरत है, कनेक्टिविटी में इश्यू ये बता रहा है मतलब ठीक है. और इसको फिक्स करने के लिए भी नीचे इन्होंने बताया है. बाकी वीडियो रेजोल्यूशन, रैम, रोम, HDMI स्टेटस, टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ ठीक ठाक है ठीक है ना. और यहाँ पे फिक्स करने का भी इन्होंने हमें बताया है कि यू माइट बी फेसिंग कनेक्टिविटी इशू, यूज इंटरनेट टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑन यूर सेटटॉप बॉक्स, व्यू डिटेल टू अंडरस्टैंड वे इंटरनेट प्रोवाइडर बेटर कनेक्टिविटी. देखो भाई ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट वायर लगाने के लिए बोल रहा है सेटटॉप बॉक्स के पीछे ठीक है ना. वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, मैं तो वैसे ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ठीक है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो. तो फिक्स के ऊपर अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा आ गया है कि यूज इंटरनेट टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी ऑन यूर सेटटॉप बॉक्स. आपको लेटेंसी वगैरह ठीक है ना और डिसकनेक्शन वगैरह कम देखने को मिलेगी, कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिलेगी, ये सारा कुछ भाई इन्होंने यहाँ पे बताया है ठीक है ना. और सबमिट फीडबैक यहाँ पे देख लेते करके, तो मतलब कि फीडबैक वो बता रहा है कि फीडबैक दे दीजिए कि अगर आपको हमारा जो हमने प्रॉब्लम बताई आपको अच्छी लगी या नहीं लगी ठीक है. मतलब कि हमने आपकी हेल्प की, इस ऐप का रिव्यू दें ठीक है. तो माई इश्यू इज रिसॉल्व, अगर रिसॉल्व हो गया है तो रिसॉल्व के ऊपर क्लिक करें, अगर आपको नहीं भी करना है तो आप कुछ ना करें ठीक है. ओके तो ये होम के ऊपर फिर से आ गया है बट फिर भी हम ओके. तो हमने सेटटॉप बॉक्स का डिवाइस हेल्थ तो चेक कर लिया, अब सेटटॉप बॉक्स रिमोट कनेक्टिविटी देखेंगे. इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपको रिमोट में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा कि योर एयर फाइबर प्लान, आउटसाइड होम कनेक्टिविटी, इनसाइड सेटटॉप बॉक्स स्टेटस, रिमोट मॉडल अवेलेबल नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, रिमोट पेयरिंग भी ओके है, बैटरी जो है रिमोट की वो भी ओके है मतलब ठीक है, वर्क कर रहा है अच्छे से और नो इश्यू फाउंड दिखा रहा है. अदर रन अदर डायग्नोस्टिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद भाई OTT एप्स के ऊपर क्लिक करेंगे. अगर आपको OTT चलाने में कोई OTT आपकी वर्क नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे जाके आप फिक्स कर सकते हो. रन डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भाई जी इन्होंने एक चीज निकाली है कि योर जियो फाइबर सेटटॉप बॉक्स मिसेस यू न्यू एंड फ्रेश कंटेंट नाउ अवेलेबल इन योर सब्सक्राइब ऐप एक्सप्लोर ऑन योर STB नाउ. ओके तो ये कोई कौन सी प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे ये सारी इन्होंने एप्स वगैरह दिखाई हैं ठीक है. तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो पहले की तरह नहीं बताया है कि डायग्नोस्टिक कि ये सारा कुछ ठीक है मतलब ऐप्स ही दिखाई हैं कि जो जो मेरे यहाँ पे जियो एयर फाइबर में एक्टिव है, जैसे सोनी लिव ये एक्टिव है ना, तो काफ़ी चीज़ें एक्टिव नहीं है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा ना. जियो सिनेमा वगैरह मैं यूज़ किया हूँ, हाँ जी 5 वगैरह, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा अब भाई एक होने वाले हैं बहुत जल्द ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई दिक्कत आएगी, मान लो सोनी लिव में मान लो मेरे को दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे इन्होंने
OTT ट्रबल शूट का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे कुछ भाई मेरे को पूछ रहे थे कि भाई OTT का कितने डिवाइसेस में हम उसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिवाइस एलिजिबिलिटी 5 स्क्रीन अवेलेबल दिखा रहा है। ऐसे ही जाके आप अवेलेबिलिटी भी देख सकते हो, ठीक है, वी कौन सी OTT में कितने डिवाइसेस में हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर दिक्कत आ रही है तो OTT ट्रबल शूट के ऊपर जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद यार इन्होंने सारे स्टेप यहाँ पे आपको दिखाए हैं कि वन स्टेप में क्लिक ऑन सेटिंग्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर STB होम स्क्रीन, सेकंड स्टेप में सेलेक्ट द अकाउंट स्टोरेज रीसेट ऑप्शन, ओके, फिर तीसरे नंबर पे सेलेक्ट अकाउंट प्रोफाइल गो टू, चौथे नंबर पे गो टू जियो अकाउंट, पांचवें नंबर पे चेक इफ़ योर नेम इज बीइंग डिस्प्ले एल्स लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो रीसेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और क्लिक ऑन सेटिंग टॉप कॉर्नर सेट टॉप बॉक्स स्क्रीन सेलेक्ट एप्लीकेशन एंड डाउनलोड ऐप, तो रीसेट हो जाएगा, तो भाई सारा कुछ छोड़ जाएगा ना, तो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। 8वें नंबर पे भाई सेलेक्ट ऐप इन विच यू आर फेसिंग द इश्यू, क्लिक रेयर डाटा एंड कंफर्म एंड रीबूट द STB एंड ओपन द ऐप अगेन। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही किसी पर्टिकुलर ऐप में, तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको फिक्स करने का भी इन्होंने बताया है, बाकी यार है थोड़ा सा हेल्पफुल तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर देगा, और इतना नहीं है कि प्रॉपर रूप से ये आपको ठीक करके ही दे देगा ये वाला जो रन डायग्नोस्टिक्स है ना, मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम बता सकता है, मतलब कवरेज में प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है, ये इसको आप ठीक कर लीजिए, फिर आप उसको ठीक कर लेना, फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो सेटअप बॉक्स में दिक्कत आ रही है, मतलब किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है, तो आपको ये इशू बता दे, ठीक है। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है एयर फाइबर में अभी तक, तो अगर प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको भी आई, तो भाई इसमें जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर तो सॉल्यूशन हो जाता है, ये फिक्स कर देता है, तो अच्छी बात है, वरना भाई हमको पता ही है कि कस्टमर केयर को कंप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो कंप्लेन राइज कर सकते हो। बट फिर भी भाई रोज SMS वगैरह, यार जियो जिन्होंने एयर फाइबर लगा के रखा उनको SMS बहुत भेजते हैं कि आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करो, डायग्नोस करो, ऐसा करो वैसा करो, तो मैंने सोचा यार अच्छी तो है, थोड़ी बहुत हेल्प वाली चीज है, सोचा अपने भाइयों को भी जरूर बता देनी चाहिए। सो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और कमेंट में बता सकते हो ये चीज आपको कैसी लगी है, और काफी सारी वीडियो ऐसी एयर फाइबर के रिलेटेड और टेलीकॉम के रिलेटेड आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहती है, सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई हो सकता है मैं दोबारा आपको देखने को ना मिलूं, ठीक है जी। और भाई जी मैं मिलता हूं को अगले वीडियो में, टिल देन एवरीडे ऑलवेज की स्माइलिंग, जय हिंद।